हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लर्न वर्ल्ड एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है कि टीजीटी पीजीटी में जो आवेदन हुए हैं वह कितने हुए हैं। इससे पहले हमने आपको 12 तारीख को भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बता दिया था कि जो टीजीटी पीजीटी में आवेदन होंगे उसकी संख्या करीबन 15 लाख के आसपास देखने को मिल सकती है, और जो ऑफिशियल है इस टाइम जो आवेदन हुए हैं जिनकी संख्या हमने आपको पहले बताई थी कि 12 लाख आवेदन हो चुके हैं, और अब जो इसकी संख्या है वह निश्चित रूप से सामने आ चुकी है। तो देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा है, चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। ये न्यूज़ अमर उजाला ब्यूरो की है प्रयागराज से। तो आप देख सकते हैं कि 14 से 15 लाख आवेदन होने की पहले से ही एक कल्पना की जा रही थी कि इतने आवेदन होंगे, और उतने ही आवेदन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं एक टफ कंपटीशन अब आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन द्वारा टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए लगभग 14 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को 15,198 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड ने कोरोना संक्रमण की वजह से टीजी पीजीटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि को बढ़ाए जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि 14 लाख आवेदन आए हैं, 20 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कराए हैं। तो आपको दिख रहा है कि 14 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कराए हैं, क्योंकि इसकी संख्या 2 से 3 बार यानी टोटल 4 बार बढ़ाई गई थी, जिसके कारण सभी अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी होगा जो यहाँ पर रह गया होगा। अब देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि इतना बड़ा अपडेशन न्यूज़ आपको जरूर देखने को मिलेगी कि 14 से 15 लाख विद्यार्थी इस कंपटीशन में आपको कंपटीशन करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इस समय फॉर्म इसमें पड़े हैं तो वह 8 में पड़े हैं, करीबन 1 लाख के करीब बताए जा रहे हैं जो टोटल इसमें आवेदन हुए हैं टीजीटी 8 में। अगर बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में तो जो आवेदन की संख्या है, टीजीटी में बताया जा रहा है कि करीबन 8 लाख फॉर्म पड़े हैं और 6 लाख यहां पर पीजीटी में देखने को मिल रहे हैं। तो पीजीटी में आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन तो इस समय दोनों में ही है। तो जो विद्यार्थी अपनी तैयारी पहले से करके चल रहे हैं उनके लिए अब गोल्डन चांस है। और अगर मानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में आवेदन की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन होगा वह ऊपर की क्रीमी लेयर में ही होगा। कह सकते हैं 2.5 लाख जो विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके होंगे, अब वह रिवीजन मोड में चल रहे होंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपनी तैयारी नहीं करा उनके लिए इस समय टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अब आप जोरों शोर से तैयारी करें। एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटे देने ही चाहिए स्टडी प्लान में। अपना स्टडी प्लान बनाइए, रूटीन चेंज करिए, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसे रिवाइज करिए। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अब आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि आंकड़े कुछ इसी रूप में आने थे। तो आशा करते हैं आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसे हम वहाँ से पिकअप कर लेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अन्य न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।